नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। भ्रष्टाचार के लगे आरोप को सीओ ने बताया बेबुनियाद। कोविड 19 ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। जहां शासन प्रशासन ने हर यथासंभव प्रयास कर हर जरूरतमंद की मदद की, वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए राशन भोजन के साथ स्वदेश लौटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसमें खास तौर से मुंगेली एवं कबीरधाम जिले में सबसे अधिक आर्थिक संकट के लिए निकाले गए हैं। जिसमें मुंगेली जिला के लोरमी विकास खंड में भी काफी प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए राशि मुहैया कराई गई थी, जिसे लोरमी जनपद पंचायत के सीओ के द्वारा आईटीआई से जानकारी अनुसार राशि गबन करने का गंभीर आरोप कांग्रेस नेता लखन कश्यप ने जिला कलेक्टर से जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग किए हैं। 15 से 20 लाख रुपया जिला पंचायत या अन्य मद से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान हुए हैं करके, और यहाँ जनपद पंचायत सीओ द्वारा लगभग 5-7 लाख रुपया ही खर्च किया गया है। पार्टी को गमन कर लिए हैं करके लिए आमजनों के बीच में चर्चा का माहौल बना था, तो मैंने आरटीआई लगा के अधिकतर जानकारी चाहा गया। इसमें मुआयना करने पर वादिन में जनपद सीओ के द्वारा भ्रष्टाचार का संलिप्तता उजागर आरटीआई के माध्यम से सत्य प्रतिलिपि के माध्यम से हुआ है। मुआयना करने पर लगभग उनमें 5 से 8 लाख रुपए तक का गमन का अंदेशा है। इसके अलावा और भी कुछ उसमें घोटाला है? उसको अब घोटाला तो है, पर वो जांच के मुद्दे हैं। जांच में जैसा मेरे हिसाब से और घोटाला उसमें साबित होगा, ये मेरा अनुमान है। तो किन किन लोगों से आपके द्वारा शिकायत दी गई? मैं अभी कलेक्टर साहब से लिखित में शिकायत किया हूँ और उसमें 15 दिवस के अंदर एक जांच कमेटी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लोरमी सीओ प्रीति पवार ने बताया कि जो आरोप लगे हैं वह बेबुनियाद है। हमने आईटीआई में सभी बिंदुओं का जवाब दिया है और सभी प्रवासी मजदूरों को खाने पीने के साथ घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी, और अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कलेक्टर के द्वारा जांच टीम गठित कर जांच कराए जाएंगे, जहां जांच में स्पष्ट हो जाने की बात कही। सत्य है, जब जांच टीम गठित होगी और तथ्यों की जांच की जाएगी तो सारे सत्य सामने आ जाएंगे, क्योंकि आरटीआई में जानकारी मांगी गई थी, तो जो सत्य जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी मैंने उन्हें उपलब्ध करा दिया। यदि मैं गलत होती तो मैं जानकारी नहीं उपलब्ध करा। जितने भी कार्य किए गए हैं वो शासन के निर्देशानुसार उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में किए गए। आरोप लगाए जा रहे हैं वो अब पता नहीं उन लोगों की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, और उनके आरोपों का खंडन तो जांच समिति की जांच से ही तत्काल हो जाएगा। तो भैया आरटीआई देना गलत, वहीं इस संबंध में सरपंच संघ के अध्यक्ष राम निवास राठौड़ ने बताया कि लोरमी क्षेत्र में आए प्रवासी मजदूरों को खाने पीने के साथ वाहन में घर पहुंचाए गए हैं। हमें नहीं लगता है कि इतने बड़े रकम की अफरा तेरी हुई होगी, वो जांच के विषय में होने की बात कही। है कि कोरोना काल के महामारी संकट काल में सभी जनप्रतिनिधि, जनपद, जिला और पूरे शासन प्रशासन के पूरे अमला अधिकारी सभी लगे हुए थे इसमें बचाव में, और बाहर से भी बहुत संख्या में हमारे लोरमी क्षेत्र में पलायन मजदूर आए थे, और जिनके खाने पीने का व्यवस्था और आने जाने का व्यवस्था शासन द्वारा करवाया जा रहा था। अब ये जांच की विषय है कि क्या गलत है क्या सही है, और यहाँ बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जांच की ऊंट किस करवट बैठेगी, या तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।